मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले की तैयारी बैठक जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि मकर संक्रांति मेले की सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं और मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा एवं व्यवस्था उपलब्ध कराया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि नगर निगम, गोरखपुर विकास प्राधिकरण एवं लोक निर्माण विभाग सड़कों को ठीक करे जिससे मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेले में सुरक्षा व्यवस्था एवं पार्किंग आदि की व्यवस्था बेहतर ढंग से की जाए, साथ ही शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए ठोस कार्य योजना बनाया जाए जिससे मेले को सकुशल संपन्न कराया जा सके। बैठक में एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, एसपी सिटी सोनम कुमार, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। तो आपके यहाँ का तो जो भी रोल है वो तो पहले ही मुख्यमंत्री ने डिसाइड कर दिया था। दूरदर्शन से आकाशवाणी से हमारे यहाँ से लाइव कवरेज होता है कि जो भी इस तरह की चीजें हो जो आपको मीडिया में देनी हो तो जिला सूचना अधिकारी को तो देना ही है हमें, साथ ही साथ आकाशवाणी और दूरदर्शन को भी चला जाए। इस तरीके से एक बार प्रेस नोट टाइम पे जो आप मीडिया को देते होंगे कोई दुर्घटना घटित नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, तो इसके लिए पूरी आपकी फिर विद्युत कर्मचारियों की तैनाती, दूसरा जो भी वहाँ पे मेले में तो सुरक्षा से कोई है हाँ, आपकी भी जिम्मेदारी होगी जो भी मेले में पंडाल झूले ये सारी चीजें लगेंगी तो उसको लेकर जो भी आपके मानक है वो सारे पूरे हो जाए। और अभी से लोग आना शुरू कर दिएंगे अगले एक हफ्ते बाद से, तो उसको लेकर जो भी वहाँ पे तैयारियां आपकी होनी विद्युत सुरक्षा के दृष्टिगत जो मानक है वो सारी चीजें सबसे कंप्लीट करा लीजिएगा। और विद्युत विभाग से आपके यहाँ से अगर कोई अस्थायी कनेक्शन देने की बात है किसी को वो सब भी देख लीजिएगा, आपने किया है वो बता दीजिए। सर वहाँ पे जो सप्लाई है सर वो दो साइड से ऑलरेडी आती है, जैसे अभी भी जो सप्लाई जाती है वहाँ पे उसकी सप्लाई दो पावर हाउस पे है और दो अलग अलग केंद्रों से जाती है। मतलब अगर एक कहीं फाल जाता है तो उसका अल्टरनेट होना चाहिए। अल्टरनेट सर वो जो है व्यवस्था ऑलरेडी की है। आपको क्या करना है समझिए, पहले तो ये देखना है कि किस किस क्षेत्र से पब्लिक आएगी, मतलब ईस्टर्न का, वेस्टर्न का, सदर्न का, नॉर्थ का, किस किस क्षेत्र से पब्लिक आएगी। तो आने के बाद उनको खुली जगह में कहाँ पार्क करने के अलावा कहेंगे और वहाँ से कितना किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा एक किलोमीटर, डेढ़ दो किलोमीटर चलने का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, इस तरह प्लानिंग कराइए। और जो आप 12 पार्किंग बता रहे हैं वो रिंग स्ट्रक्चर में है, चारों तरफ है। चारों तरफ, तो ऐसा नहीं कि यहाँ खड़ा करके यहाँ आना पड़ रहा, ऐसा तो नहीं है, चारों तरफ है। अभी फुल मौके पे खाली है सभी जगह, तो प्लॉटिंग और ये हो गया, फिटिंग बन गया, कहाँ पार्किंग मिल रही है आपको शहर। और पार्किंग से अप्रोच रोड तक चेक करें, पीछे बैकवर्ड दोनों, ये अभी तीन दिन चार दिन में करा के मुझे आके व्यक्तिगत बताएंगे कि मेरा पार्किंग, फोटोज के साथ बताएंगे, अकेले सीओ ट्रैफिक नहीं करेंगे इसको, हम सबको करना है ना। इसमें बसें भर के तो आती नहीं, आते नहीं लोग, सिर्फ कुछ आते हैं सर। एक इंटर कॉलेज पड़ता है सर वो जो गोरखनाथ पुल है, वहाँ कुछ पार्किंग होती है सर, कुछ कुछ आश्रम के पास होती है, मोड़ पर भी कुछ पार्किंग होती है, बड़े व्हीकल्स वहीं करते हैं। ठीक है, पार्किंग नगर मूवमेंट प्लान में पूरा एक दिन लगेगा भ्रमण करने में। आप मुझे बता दीजिएगा कि जहाँ जहाँ आपकी पार्किंग निर्धारित है वहाँ से एक कार्यक्रम कल तक मंदिर तक कहाँ कहाँ गड्ढे हैं और कहाँ कहाँ नालियाँ ओवरफ्लो कर रही हैं, सिल्ट जमा हुआ है, पुलिया बनानी है, कलवर्ट्स क्रिएट करने हैं, जो भी करना है ये बताइए। पीडब्ल्यूडी को बनाना है सर, पीडब्ल्यूडी के भवन का डिवीजन आता है इसमें, भवन का कौन आया है।